तो भाईजान अपने लूप से बाहर आना है, और अभी मैं आया हुआ हूँ दुबई में। हर 2 महीने मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ट्रिप करो। ट्रिप करने से, नए लोगों से मिलने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप चीज़ों को सीखते हो, चीज़ों को समझते हो। ठीक है, पिछली बार मैं आया था, मैंने यहाँ पर इतनी गर्मी एक्सपीरियंस की थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गर्मी मैंने कराची में कभी नहीं देखी भाई। अब ऐसा माहौल इस बार आया हुआ हूँ तो ऐसी फील आ रही है कि भाई ठंडी हवा, ऐसा मौसम, हम सीधी सी बात है यार, अब पाकिस्तान में तो हम कहीं वेकेशन पे ही जाते हैं, उसके अलावा कराची में तो काम ही कर रहे होते हैं भाई। यही अपना यही है कि भाई दिन में 15-16 घंटे काम करना है, हर 2 महीने बाद वेकेशन करना है, और जब दिल चाहे छुट्टी करनी। लेकिन जब काम करने बैठना है तो पूरा काम निपटा कर 2-3 दिन 4 दिन लग जाए पूरा काम करके जाना है। हमारे ज़्यादातर नौजवान नस्ल का मसला ये है कि वो लोग हो गए हैं आलसी, उन लोगों से काम नहीं होता, मेहनत नहीं होती। भाई हमने भी यार, अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई 2012 से मैं अपने घर से बाहर हूं, बड़े बड़े सेठों के साथ बैठा हूं, उनको देखा सीखा कैसे वो कैश फ्लो मैनेज करते हैं, कैसे वो इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं, कैसे वो अपना काम करते हैं। आपके लिए जब तक लोग काम नहीं करेंगे आप करोड़पति अमीर नहीं बन सकते। तो हमारा काम ही ई कॉमर्स का इस तरह का है कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो पैसा आपका बन रहा होता है। ठीक है, बाकी हम लोग लर्निंग्स भी करवाते हैं, पार्टनरशिप भी करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। तो बाकी सफान का नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सफान से। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।